उम्मीदवार रामचंद्र यादव जी मौजूद हैं और ये किसी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, किसी बड़े घराने से नहीं आते हैं, फिर भी इनके मन में जज्बा है समाज सेवा का। इन्होंने छात्र जीवन से ही जब कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू किया वहीं से ये कुछ लोगों के राजनीति के शिकार हुए, वहीं से इनके मन में मनसा आई कि मैं भी समाज सेवा करूंगा, समाज के भला में अपना जीवन बिताऊंगा। और आज खुद मौजूद है हमारे स्टूडियो में, खुद इन्हीं से हम लोग जानेंगे कि आखिर में इनकी शुरुआत ऐसी सोच कैसे हुई। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना लाइव न्यूज में, और हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं आखिर में आपका ये सोच कैसे उत्पन्न हुआ। जो पढ़ाई हम करना शुरू किए तो पढ़ाई में जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में जो बार बार है जे कि कॉलेज बंद रहता था उसे है जे कि मेरा मन खिन्न होता गया और गुरु गोविंद सिंह के प्रबंधक से लड़ाई लड़े, प्रिंसिपल से लड़ाई लड़े और लड़ते लड़ते है जे कि आगे बढ़ते बढ़ते राजनीति में इतना है जे कि हम लिप्त हो गए कि पढ़ाई छोड़ना पड़ा और समाज सेवा ही है जे कि हम अपने जीवन के लिए है जे कि उतार लिया। इसलिए जीवन में हमको समाज सेवा ही करना है और समाज सेवा में हम लग गए। आपको तो हम बता देते हैं कि जीवन में धरना प्रदर्शन आमरण चाहे रेल की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, विभिन्न समस्याओं के लेकर के हम दर दर की ठोकर खाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए और यहाँ तक आए हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल में भी प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, जिला में अध्यक्ष रहे हैं और जन अधिकार पार्टी में भी है जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के रहे हैं, लेकिन वहां भी मेरा मन नहीं भरा कि समाज से है जो कि बड़े नेता समाज को देखना नहीं चाहते हैं, समाज की भलाई करना नहीं चाहते हैं। तो हमें लगा कि अलग रह के उसके लिए हम कुछ करें और तभी है कि हमारे लिए अच्छा होगा या समाज के लिए अच्छा होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा लड़ाई है जो कि भिन्न हो गया। आज 4 वर्षों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और वहां तक है जी कि हम लड़ते लड़ते कुछ ना कुछ हम विकास किया है, समाज को दिया है और समाज है जी कि मुझे चाहता है। हर लोग चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, चाहे हर जन हो, हर समाज के लोग हमें चाहते हैं। और इसी ख्याल से मुझे लोगों ने कहा कि राम जतन जी आप चुनाव लड़े, आपके साथ हैं, हम आपको 1 वोट भी देंगे और 1 रुपया भी देंगे, आपको कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे, आप चुनाव लड़िए और उसके बाद आप जब संसद में जाइएगा तब मेरे लिए क्या कीजिएगा, उन्होंने प्रश्न रखा। मैंने है जी कि पूरे तन मन से है जी कि कहा कि जिस तरीका से हमारे वोट से देश में विधायक बनता है, सांसद बनता है और हाँ उसको आजीवन पेंशन मिलता है, लेकिन हम वोटर को 1 रुपया नहीं मिलता है। मैं संसद में जाऊंगा तो हम सबसे पहला प्रश्न उठाऊंगा कि पेंशन वोटर को सबसे पहले पेंशन मिले और तभी है जी कि हम चैन लेंगे। जब तक चैन नहीं लेंगे तब तक कि जब तक है जी कि हम वोटर को वोटर पेंशन नहीं दिलवा दें, हक हकूक नहीं दिलवा दें। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जनता का काम के लिए इनके मन में कितना जज्बा है, कितना जोश है। हम यहाँ आपसे जानना ये चाहेंगे, आपका जो हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि, आप राजनीति से आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जहाँ दोस्तों एक तरफ जहाँ हर राजनीतिक परिवारवाद का शिकार हो रहा है, अपने लोगों को ही बढ़ावा देने के क्रम में लगा हुआ है, उचित कैंडिडेट को चयन नहीं किया जा रहा, हम आपसे जानना सीधे तौर पर जानना चाहेंगे क्या आप आरजेडी में राष्ट्रीय जनता दल में आपने बहुत योगदान दिया है, आपका हम देख रहे हैं कि आपने उपाध्यक्ष भी रहा है। हमने मनसा जाहिर किया है लेकिन वो परिवार में अपने आप में लिप्त हो गए और कुछ ऐसे है लोगों के चंगुल में फंस गए जो कि आज हमारे नेता, हम मानते हैं कि अभी भी हमारे नेता लालू प्रसाद हैं, बेवजह उनको फंसाया गया और उन्हीं के लोगों ने, अपने लोगों ने उनको फंसाया है। हम तो आरोप लगाते हैं, सीधे कहते हैं कि शिवानंद तिवारी जैसे आदमी जेल में बंद करने वाला है और यदि हम लालू प्रसाद से फिर सुना है जिसके बात को कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान के कोई आदमी कुछ नहीं बिगाड़ा है, यदि बिगाड़ा है तो राहुल गांधी बिगाड़ा है और राहुल गांधी के द्वारा आप जेल भेजे गए हैं, क्या मजाल है कि आपको बीजेपी भेज देगा, बीजेपी तो थर्राता है, आपके नाम से थर्राता है, आपके सामने मतलब खड़ा नहीं। सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं जो उनके इर्द गिर्द रहे उन्हीं की साजिश से वो आज जेल में है। बिल्कुल है दोस्तों, आप इनके पटना साहिब से चुनावी कमर कस चुके हैं ये और मैदान में उतरने के लिए इनके सामने उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हम ये जानना चाहेंगे कि आपको अगर जनता मौका देती है तो जनता के लिए आप क्या करेंगे?
सबसे पहले जनता के लिए हम शिक्षा महज के सुधार करेंगे, गुणात्मक सुधार करेंगे। यदि हमारा देश के प्रदेश का शिक्षा सुधर जाता है तो सभी कामों में हम सुधार ला देंगे। और सबसे मेरा सोच पहला है कि शिक्षा में सुधार करें, शिक्षा सुधारेंगे और झूठ मूठ या झूठ का सरकार है जी के बना है माननीय नीतीश कुमार जी का, जो कहते हैं कि विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे विकास तो दुनिया में दिखाई दे रहा है कि शराब का भट्टी है जी कि आपने पूरे बिहार में खुलवा दिया, पूरे बालू माफिया पैदा किया है आपने। और प्रधानमंत्री के बाद जहां तक हम करते हैं कि नोटबंदी करके पूरे देश में गरीब गुरुओं को हत्या करने पर तुल गए हैं। हम आपके क्षेत्र पे ही अभी बातें हम लोग कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद जी आपके सामने हैं, आप उनसे बेहतर कैसे? हम आपको बता दें कि हमारे यहां माननीय कानून मंत्री और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, दूसरा कोई नहीं है, और दोनों ही भाजपा के हैं। और कैसे लोग कहता है कि वह है जो कि आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ना तो आरजेडी के हैं ना कांग्रेस के हैं, और ना कोई अति पिछड़ा दलित और महादलित का है। वह तो सीधे हम कहे तो फॉरवर्ड का है, और फॉरवर्ड के लिए कुछ करेगा कुछ भी सोचेगा। तो वैसे दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। हम तो कहेंगे कि दोनों मिलकर के चोरे चोर मुसेरे भाई हैं, और इसी ख्याल से हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, और सभी के साथ हम जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। सीधे तौर पे आप जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के सेवा में तत्पर रहेंगे, मतलब आप सबके घर में पहुंचने वाले कैंडिडेट होंगे। आपको हम बता दें, हमारे पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कब जीतने के बाद कभी भी पटना साहिब के लोगों से मिलना जुलना उनका है जो कि यह फितरत में नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि रविशंकर जी दिल्ली में भी बिहार के लोगों से या पटना साहिब के लोगों से, मैं तो बता दूं कि प्रत्येक महीना दिल्ली गया हूं, और वैसे है जो कि रविशंकर प्रसाद से मेरी कभी भेंट नहीं हुआ, ना तो शत्रुघ्न से ना से भेंट हुआ। दोस्तों जैसे मैं आपको यहां बताते चलूं कि 2014 में रामरतन यादव जी ने कमर कसी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इनको राजनीतिक शिकार होना पड़ा, इनको बंद लाया गया। इनका कहना है कि 2014 में भी इनको रोका गया कि 2019 में हम आपको टिकट देके अपनी पार्टी से आरजेडी पार्टी से जिसके कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से ही लगे हुए हैं उनसे लड़ाएंगे। आपसे क्या बातें हुई थी 2014 में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी क्या मुझे बुलाटा हुआ और मैं गया, बड़े लीडरों के साथ गया, बड़ा लीडर पकड़ के ले गए थे, और जब वहां गए तो कहे थे कि अगले बार तुम्हारा उपाय कर देंगे, लेकिन सेवा करने की दूर बात है, आज तक है जिनकी मुलाकात होना दूर हो गया। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं इन्होंने कमर कस ली है, और इस बार ये चाहते हैं कि संसद में पहुंच के जो काम भावी संसद जो पहले वाले पूर्व सांसद नहीं कर पाए हैं वो मैं करूं, और ये लग चुके हैं। इनकी 22 तारीख को नॉमिनेशन है और ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा करना। आपको ये लगता है, हम लेके चलते हैं सीधे, आपको ये लगता है कि मोदी सरकार जनता के लिए भलाई का काम किया? मोदी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये इस बात के लिए अच्छे हैं कि हम लोगों को बताए थे कि 15-15 लाख रुपया सभी के खाता में चला जाएगा, लेकिन आज तक एक रुपया नहीं हुआ, और ऐसे बोल करके चले गए और 5 वर्ष गुजार लिए। अब फिर जनता के बीच जा रहे हैं कि हम आपके लिए भलाई किए हैं। क्या भलाई किए हैं? हमको हमारे खाता में क्या रुपया दिए हैं? हमारे लिए आपने कौन सा नोट है जिसके गरीब गुरबा के लिए दिया है? बड़े लोगों के लिए तो आपने सब कुछ किया, लेकिन हम लोग 500 रुपया निकालने के लिए बैंक में धूपा में बहुत देर तक, यानी सुबह से शाम तक है, रुपया नहीं निकला। ये तो आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार अपने वादों में विफल हुई है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा भी आपको लगता है क्या कि मोदी सरकार बने फिर राहुल का सरकार होना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनमें आपका भविष्य दिखता है क्या? अभी तो या चुनाव का समय है, चुनाव का घड़ी है, हम नहीं समझ रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे। कई लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री के
कतार में लगे हुए हैं। मतलब ये कहा जाए कि महागठबंधन में अभी प्रधानमंत्री कौन होगा इसी पे अभी मतलब संशय बना, बिल्कुल संशय बना हुआ। हम इनका पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, उसमें पता चला कि वर्षों से छात्र जीवन से ही समाज सेवा का इन्होंने काम लाभ उठाया, काम करते रहे तमाम तरह की। हम जहाँ तक जानते हैं कि खुसरूपुर में ट्रेन नहीं रुकती थी, तमाम ऐसे जगह है, मतलब जनता को नहीं कुछ रहते हुए भी एक कार्यकर्ता रहते हुए भी बहुत सारे योगदान किए हैं, जनता का बहुत सारी सेवा किए हैं। हम बता दें जी कि चाहे बाढ़ हो सुखाड़ हो, उसमें अगले आगे बढ़ चढ़ करके हम किसान मजदूर सभी को हक हुकूक दिलाने में हर समय अव्वल रहे हैं और किसी प्रकार को कोई संकट नहीं होने दिया। हम कहते हैं कि बख्तियार फतुहा से लेकर बख्तियारपुर तक जो मेरा दोनों विधानसभा है, हम उसकी बखूबी सभी तरह के जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और सुख सुविधा के लिए हो, चाहे रेल की बात हो चाहे अन्य बात हो, हम वहाँ खड़े हो करके काम किए और करवाए, उसमें हमको ढेरों सारी सफलता मिला। चाहती है कि आप चुनाव लड़े और जनता हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है जी। दोस्तों आपने देखा पटना साहिब से उम्मीदवार लोकसभा के रामचंद्र यादव जी, इन्होंने कमर कस ली है और मुझे आशा है ईश्वर आपके इस कड़ी में योगदान करें, आपका मनोकामना पूर्ण हो, आप जनता की सेवा ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना लाइफ परिवार की तरफ से और आशा है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कोई अगले कड़ी में अगले नेता के साथ। तब तक बने रहें अपना लाइफ डॉट मिक्स के साथ। धन्यवाद।